यह वर्ष मुक्तिबोध के जन्म शती वर्ष भी है और त्रिलोचन के भी 100 साल पूरे हो गए हैं। तो हिंदी कविता जगत के लिए एक नई घटनाओं को लेकर के भी एक तरह से देखा जाए तो यह वर्ष है कि हम मुक्तिबोध अपने पुरोधा से शुरू करते हैं, त्रिलोचन को याद करते हैं। और इन सब चीज़ों से बढ़ करके जो एक प्रश्न किया जाता है कवि से कि वह कविता क्यों लिखता है या किन चीज़ों से प्रभावित होकर के उसने कविता लिखना शुरू किया है या कविता के माध्यम से कौन सी चीजें हैं जो वो बताना चाह रहा है। अभी देश के हालात जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक अभिव्यक्ति पर हमले और तर्क और बहस की दुनिया में यदि आप सच का साथ देने के लिए कोई भी कलम उठाते हैं, कुछ भी बोलने जाते हैं, तो ये मामला असहमति तक नहीं रहा, अब हत्या तक पहुंच चुका है। एक ही प्रश्न सामने है कि क्या आप सच लिखेंगे, आप एक आम सहमति के खिलाफ लिखेंगे जा करके, तो क्या आपके लिए भी ऐसा ही हो सकता है। तो एक कविता लिखते हुए व्यक्ति का दायित्व तो ये भी है कि अपने समय को जाने पहचाने। आज एक कवि लिखते हुए और वह वर्तमान की घटनाओं के बारे में न जाने, इस तरह की बहुत सारी विसंगतियां हैं हमारे समय में, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारा अच्छा पढ़ा लिखा और उसे सामने लाया जा रहा है। अब मैं अपने आगे अपनी कुछ कविताओं का पाठ करूंगी। कविता का शीर्षक है आवाज। 2:30 बजे रात जब सब सो रहे हैं, कुत्ते भी, मेरा मन करता है जोर की आवाज लगाऊं। दसों दिशाओं को कपा देने वाली आवाज, चुप्पियों को चीर कर रख देने वाली आवाज, चांद के गूंगेपन के खिलाफ एक आवाज। इस घोर सन्नाटे को भंग करके मैं परिणाम की प्रतीक्षा करना चाहती हूँ। इस घोर सन्नाटे को भंग करके मैं परिणाम की प्रतीक्षा करना चाहती हूँ। अगली कविता का शीर्षक है माया लोक से बाहर। क्रमशः चीजों के और सरलतम होते जाने के बाद भी तुम हमारे लिए ईश्वरों जैसे ही हो। वह पत्थरों की मूर्तियों और तस्वीरों में दिखता है, तुम चलचित्रों में, अखबारों में, पत्रिकाओं के मुखपृष्ठों में बड़े बड़े शीर्षकों के साथ बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हुए। तुम्हारी चर्चाएं, स्वाद आस्वाद, तुम्हारी पोशाक, हारी बीमारी, ईश्वर की अनगिनत गाथाओं से रोचक, हर घर की बैठक में बहस का विषय तुम मंदिरों और तुम्हारे द्वार पर एक सी लंबी कतारें हैं, चढ़ावे हैं, मन्नते हैं, आशीर्वाद की ललक भी है, दरस परश को लालाए तुम्हारी जनता जनार्दन। ईश्वर की भांति ही तुम सर्वशक्तिमान, वरदान देने में सक्षम हो, विधि विधानों की लगाम तुम्हारे हाथों में है, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हो, निमिष मात्र में कहीं भी आ जा सकते हो, अरबों की आवाज दबा सकते हो, खदेड़ सकते हो, जग समेत उखाड़ सकते हो, निर्वासित और पदलित कर सकते हो, आसन्न मौत के फरमान तुम्हारी शाही से लिखे जाते हैं, दंगे फसाद से लेकर युद्धों के रिमोट बटन तक तुम्हारे हाथ में है। ऋचाओं, सूक्तियों, स्मृतियों की कथाओं सा अब हमें तुम पर विश्वास नहीं रहा। तुम्हारी घोषणाएं अब हमें आश्वस्त नहीं करती, तुम्हारे आश्वासन हमारे विश्वास में तब्दील नहीं होते। कैसे कहें, तुम्हारे आंसू भी सच नहीं लगते, सब कुछ छद्म लगता है, ईश्वरीय माया सा कि फैलाई माया और सब मिट गया। लेकिन अब हम पिचके पेटों, तार तार कपड़ों, बिना सपनों की नींद और ठिठुरती रात के साथ तुम्हारे माया लोक से बाहर कठोर जमीन पर पैर टिकाए खड़े हैं। और किसी भी बहस में पड़ने से अधिक यह सच है कि तुम हम में से एक नहीं हो, कभी थे भी नहीं और क्यों होना चाहोगे। ईश्वर निरंकुश सत्ता का प्रतीक है और तुम भी सेवक कहाँ रहे, प्रतिनिधि भी नहीं रहे, अंततः शासक ही बन गए। इतिहास की कुछ एक पंक्तियों पर उंगलियां फेरो, देखो उस निरंकुश सत्ता को हमने कब का ठुकरा दिया। कविता का अगला शीर्षक है मुर्दा मौन। तुम्हारा बोलते जाना अच्छा है जैसे कि रस्सी बटना लंबी सी, अच्छा है समय के लिए भी तुम्हारा यूं ही बोलते रहना निरंतर। तुम चिल्लाते, चीखते या गालियां बकते तो भी अच्छा था, अच्छा नहीं हो सकता बिल्कुल भी यह मुर्दा मौन, चुप लगा जाना। हर प्रश्न के उत्तर में तुम्हारा यूं यंत्रवत मुंडी हिलाना और सोचना बोलने से भला होता क्या है।
कविता का अगला शीर्षक है एक चीख के दायरे में। यूं तो गूंगे हो जाने की हद तक चुप रही मैं, इस बीच एक आत्मयुद्ध चलता रहा कि निश्चित कर पाना चीखने और गूंगे हो जाने के बीच का कुछ कुछ। यूं तो गूंगे हो जाने की हद तक चुप रही मैं, इस बीच एक आत्मयुद्ध चलता रहा कि निश्चित कर पाना चीखने और गूंगे हो जाने के बीच का कुछ कुछ। यही कुछ तलाशते एक दिन चीख उठी, बस बहुत हो गया। अगला शीर्षक है कविता का पहाड़ और पगडंडियाँ। यह सब अनायास ही हुआ, रास्ते की तलाश में भटकती मैं, पगडंडियों से होती हुई इस विशालकाय चट्टान पर आ खड़ी हुई। यह सब अनायास ही हुआ, रास्ते की तलाश में भटकती मैं, पगडंडियों से होती हुई इस विशालकाय चट्टान पर आ खड़ी हुई। नीचे झांक कर देखा, शहर जैसे कोई भयानक किस्सा, शहर के लोग उस किस्से के असली किरदार, पहली बार उनसे डर न लगा, आज इस शहर के वैभव ने मुझे बिल्कुल नहीं डराया। चींटियों से रेंगते लोग और टूटी पेंसिल के धब्बेदार स्केच जैसे शहर को देखकर मन में जुगुप्सा जगी, आज तक के जिए मेरे डरों और बहदबासियों को याद कर खुद पर तरस आया। आज तक के जिए मेरे डरों और बहदबासियों को याद कर खुद पर तरस आया। यहाँ इस काली चट्टान पर खड़े हो मेरे भय और वे चिंताएं जो मेरी नज़रों को शक की सुइया बना जहाँ तहाँ चुभो देती थी, जो बार बार दरवाजे की कुंडी टोहने हड़बड़ा कर उठ बैठती थी, जो आधी रात तक आँखों से दूर रखती थी नींद को, वे आशंकाएं विलीन हो गई। यह शहर अब मेरे गांव के एक मोहल्ले में तब्दील हो चुका है। कविता का शीर्षक है पहाड़ का होना। बस अभी अभी सोचा पहाड़ बन जाऊं और मेरी देह चट्टान में तब्दील हो गई। बस अभी अभी सोचा पहाड़ बन जाऊं और मेरी देह चट्टान में तब्दील हो गई। यहाँ सोचना शुरू किया, वहाँ खरपतवारों की नाना प्रजातियाँ उगाई। सोचना ही पर्याप्त है शायद बदलने के लिए, सोचना ही पर्याप्त है शायद बदलने के लिए। जैसे कि मेरी आँखों के रंग में धूसर खुरदुरापन भर गया है, इस चट्टान बनी देह की असलियत जानने के लिए खरोचा। सच मेरे नाखूनों में खून की बूंदें नहीं, धूल के कण भर गए। कठोर बेरंग पहाड़ सा होना, धरती की नजाकतें भूल भाल कर देह पर उगा लेना काटे, पहाड़ जैसा ही एक प्रश्न है। अगली कविता है इस बुनावट में। अब तक की बुनावट में उधेड़े जाने के डर से ढांपती रही, फीके पड़ न जाए सोच कर रंगती रही बार बार, मौन की लुगदी लगा कर चिपका दिया होठों को जैसे कि चुनरी में पेंच वर्क। ये ढपनी, ये रंगाई पुताई और मौन जैसे अस्त्र शस्त्र सबको सहेजने के बाद एक बात और इस कम वक्त दिमाग का क्या करूं। ये ढपनी, ये रंगाई पुताई और मौन जैसे अस्त्र शस्त्र सभी को सहेजने के बाद एक बात और इस कम वक्त दिमाग का क्या करूं। अगला शीर्षक है लय की तरह। स्मृतियाँ, स्मृतियाँ कुछ भाप सी, बर्फीली चट्टान सी कुछ, साल में बस एक बार आने वाली मौसमों सी कुछ। स्मृतियाँ जो चूल्हे की राख सी ठंडी हो चली, स्मृतियाँ जो देह में गुदने सी गुद गई। स्मृतियाँ फर्श पर बिखरी पानी की बूंदें नहीं, जो मिटा दी जाए पोछा फेर कर, वे कंकड़ हों तो भी समा जाती हैं मिट्टी में। चलो यही सही, मैं पी जाती हूँ पानी सा उन्हें, रक्त में मिला लेती हूँ, जीवन में उतार लेती हूँ एक लय की तरह है। आखिर ये भी क्या फलसफा हुआ कि कड़वा कड़वा थू। कविता है कोई और तो नहीं। तुम सौंप दोगी जिस दिन, तुम सौंप दोगी जिस दिन उसे अपना सम्मान तक, वह तुम्हारे अंतःदेश की एक एक आंतड़ियाँ हिला हिला कर देखेगा, वहाँ कोई और तो नहीं। वह तुम्हारे अंतःदेश की एक एक आंतड़ियाँ हिला हिला कर देखेगा, वहाँ कोई और तो नहीं। छोटी सी कविता है खामोशी। खामोशी मुझे कचहरी सी लगती है, जहाँ तफ्तीश तर्क बहस कभी कभी निर्णय
और सजा भी निर्धारित होती है, यहाँ खुद को बाइज्जत बरी नहीं किया जा सकता, यहाँ खुद को बाइज्जत बरी नहीं किया जा सकता। कविता का शीर्षक है खुद से। एक प्रश्न खुद से, यह कैसा आभामंडल बनाया है, कहीं खो ना देना खुद को, भस्म ना हो जाए तुम्हारी आत्मा। एक प्रश्न खुद से, यह कैसा आभामंडल बनाया है, कहीं खो ना देना खुद को, भस्म ना हो जाए तुम्हारी आत्मा। चलो उठो, बाहर निकलो, देखो घास के तिनकों पर मोती उगे हैं। कविता का शीर्षक है एक बूंद इत्र। जैसे बूंद भर इत्र की बिखर गई हो मेज पोस पर, जैसे छलक गया हो प्याला शराब का, ऐसी ही कोई मिली जुली सी गमक फैल गई है मेरे भीतर। मैं अभी इतनी फुर्सत में नहीं कि नफा नुकसान को माप तौल सकूं। कविता का शीर्षक है कोई कहानी सुनाओ। तुमने कहा फाकते का बच्चा, और मैं नन्हे नन्हे पैरों पर फुदकने लगी। गौरैया का बच्चा कहा जब, मैं उड़ने लगी। हिरन का बच्चा कहा तो सचमुच कुलांचे भरकर उस छोटी टेकरी पर जा चढ़ी। और लाल आँखों वाला खरगोश तो तुम बार बार कहते हो, मैं हर बार कोमल श्वेत रोंगों का स्पर्श महसूस कर लेती हूँ। तुमने मुझे बच्चे में परिवर्तित कर दिया है। मैं अब जिद करना चाहती हूँ, कोई कहानी सुनाओ ना, रानी परी तोता मैना कोई भी चलेगी, मैं तो बस तुम्हारी गोद में सिर रखकर गहरी नींद सोना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक तुम्हें याद करते हुए आज सुबह मैंने कुनकुने पानी में आधा चम्मच शहद मिलाकर पिया। मेरे चेहरे से मिठास और लालिमा टपकने लगी। मैंने आईने में देखा तुम मेरे पीछे खड़े थे। आज सचमुच मेरी नज़रों में मैं बेहद खूबसूरत लगी। कविता है आकार बन गया। अधिक दिन नहीं हुए थे तुमसे मिले कि मेरे भीतर फैली तरल मिट्टी कोई आकार सख्तियार करने लगी। मेरे उजाड़ हुए दिनों से आ टकराई खनखनाती लाल ईंटें, तिनके चिंधियाँ रेसे किसी घोंसले से उड़कर कुछ मेरे तो मानो पर ही उगाए, और मैं उड़ी भी दूर दूर। मेरा घर यही है, यही मेरा घर है, धीरे से कानों में फुसफुसा गया एक कोना। यही मेरा घर है, धीरे से कानों में फुसफुसा गया एक कोना। गौरैया उछल उछल कर तस्वीर बना रही है इस दीवार पर लगाना समझी। हवा जो रात भर घूमती रही सुनसान सड़कों पर, नहा आई तड़के ही बड़े तालाब से, वह रसोई में मगन कोई गीत गुनगुना रही है। वह सपना जो कल तक एक किनारे सपचाया खड़ा था, आज फैल चुका है घर में धूप के सुनहरे तिनके बनकर। इतनी इच्छाएं, इतनी दुआएं, ऐसे ही तो बनता है घर, फुटपाथ में, बियाबान में, कहीं भी बस सकता है। वे घर जो पलायन के फरमान जारी करते रहे मेरे नहीं थे। अब यही घर मेरा है, यहीं रहूंगी ताउम्र, अब मैं पलायन नहीं करूंगी। अगली कविता है नींद भर सोने दो। न जाने कितने जन्मों से उनीदी हैं उसकी बोझिल आँखें। घूरती दीवार उसमें सुराख बना देंगी, कुछ भी यथावत नहीं बचेगा, आग लगा देंगी। ख्वाबों में, खिलखिलाहट में, पानी में भी, सावधान उसे नींद भर सोने दो, सावधान उसे नींद भर सोने दो। कविता का शीर्षक है आग और स्वाद। कागज़ के कोरे टुकड़े पर लिखा आग, आग के दोनों ओर चित्र भी बनाया आग का। लो वह चित्र भी याद आया, बर्फीले पहाड़ वाला, 11 साल 8 माह की उम्र में बनाया था। रंगों की समझ कहाँ थी तब, सफ़ेद झक पहाड़ों की बस्ती में एक हरा भी बना गई। पीछे परंपराओं की तरह खड़ी माँ ने आहें भरकर मेरी हुनरमंद उंगलियां चूमी और चूल्हे की आग तेज करने चली गई। उस शरदाह को साबासी समझकर ठिठुरता पहाड़ वह चिपका लिया मैंने छाती से। किसी किताब ने नहीं सिखाया बड़ा आ से आग भी होती है,
उगते धुएं से भी दूर रखा गया। कहते हैं लड़कियों को छूकर और भी भड़क जाती है आग। कितना अजीब है फिर भी वे आग और रोटी का खेल रोज खेलती हैं। आंखों में काजल लगाते हुए आखिर आग को देखने की हिम्मत की। थोड़े और दिन गुजरे तो आग जुबान तक आने लगी। एक रात किसी अजनबी के साथ बैठकर आग में घी डालना सीखा मैंने। रसोई में सजा कर रखा तब हवा पानी और एक डिब्बी में आग भी। चुटकियों और स्वाद के बीच का रहस्य यहीं सीखा। कई रंग हैं, कई रूप हैं, कई जगहें हैं आग के भड़कने की। हाथ पैर की ठिठुरन से बेइंतहा जरूरी है पेट के लिए। यहाँ कुछ ज़्यादा ही उपद्रव मचाती है। हद तो यह कि आंसू भी तभी निकलते हैं जब दो चार कौर पड़े हों पेट की आग में। एक कविता है छत बिछत। एक अरसा हुआ कि मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया। यह अरसा बरस बरसों जितना तो नहीं पर कई महीनों जितना जरूर है। तब से मेरी सुबह दूसरी किस्म की हो गई है। मसलन मेरी सुबह की चाय बदल गई है, थोड़ी फीकी बिना दूध की काली चाय, और ख़ास तो यह कि जरूरी भी नहीं रही अखबार की तरह ही। अखबारों की रंगीन दुनिया से यूं अचानक मेरा मन फिर गया। मुहावरों की भाषा में कहूं तो चित्त कुचित्त हो गया मेरा। हालांकि घर में अभी भी तीन अखबार आते हैं। मैं रोज़ सुबह दरवाजे से उठाकर उन्हें मेज पर करीने से जमा देती हूं और शाम वे कचरे के कुनबे में इजाफा कर देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी बहसें चाय खत्म होते ही यूज डिस्पोजल हो जाती हैं। ऐसा लगता है हमारा होना भी कचरे की तरह ही है और हमारे अधिकार भी, जैसे कि अभी अभी मैं अपना मत एक बड़ी सी पेटी में डालकर आ रही हूँ। मेरे कई मित्र तो आठ आठ दस दस अखबार रोज पढ़ते हैं, सुबह दोपहर शाम। शायद वे सोने से पहले भी एक आध अखबार पढ़ते होंगे, शायद वे नींद और सपनों में भी पढ़ते होंगे कोई ना कोई अखबार। मैंने जानना चाहा क्यों पढ़ते हैं वे इतने अखबार, जबकि होती हैं वही वही खबरें सब में। चोरी, झीना झपटी, हत्या, बलात्कार, आतंकवाद, घोटाला, भ्रष्टाचार। वे मेरे सवालों का जवाब सीधे नहीं देते, चार छः घंटे जोरदार जुगाली करते हैं। वे किसी एक को पसंद और दूसरे को हद तक नापसंद करते हैं। मैं उनकी पसंदगी नापसंदगी के बीच छींकना और खांसना चाहती हूँ, पर अपनी खरखराहट सांस नली के बीच दबा लेती हूँ। तो एक तरह से मेरा अखबार पढ़ना इस प्रकार भी हो जाता है और मेरी जानकारियों का कोर्स भी पूरा हो रहता है। अखबार किसी न किसी रास्ते मेरे भीतर घुस ही जाता है। इस अरसे में मेरे उस समय को मैं, जिसमें अखबार जाया करती थी पहले, अब कई हिस्सों में सजाकर व्यतीत करती हूँ। जैसे माँ से बातें कर लेती हूँ, थोड़ा टहल आती हूँ, नाश्ते में कुछ नया बना लेती हूँ, कोई किताब पढ़ती हूँ कभी, और कभी लिख लेती हूँ कविता। यूं तो हर सुबह घर में आने वाले तीनों अखबार किनारे रखते हुए एक बारगी मेरा मन करता है देखूं आज क्या क्या हुआ है, पढ़ लूं हेडिंग संपादकी और अपना शहर वाला पन्ना, ताकि बौद्धिक बहसों में बोलने के लिए मेरे पास भी कुछ जुमले हों, मैं भी पसंद नापसंद की सुपारी चबा सकूं, माथे पर लकीरें समेटे चिंताएं कह सकूं, जो मेरे मित्रों को लगे कि मेरे पैरों के दर्द से अधिक जरूरी है। आखिर देश और दुनिया भी तो कोई चीज़ है, इनकी बात के बिना मैं कैसे हो सकती हूँ। आखिर चेक पोस्ट पर भीख मांगने वाली वह लंगड़ी औरत और कचरा बटोरने वाले जमादार की बेहतरी के लिए शामवाद की बातें तो कर ही सकती हूँ, अपने बैठक के गद्दीदार सोफों पर कुहनी टिकाए अखबार पढ़ते हुए। यही सोचकर कई बार मैंने फिर से अखबार पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कोशिश की पढ़ने की मार्च अप्रैल, इतवार सोमवार, असम, हरियाणा, चंपारण, लेकिन अखबार ने अनचाहा पढ़ा पढ़ा कर नसें सुन्न कर दी मेरी। वह लगातार हथौड़े मारता रहा मेरी खोपड़ी में, वहीं बैठकर चिल्लाता रहा। वह नाबालिग थी, गर्भवती थी, विचार थे, गला घोटा गया। बाद में वह पेड़ से लटकी मिली नहर के किनारे, छत बिछत मिली देह, छत बिछत चेहरा, छत बिछत जन्नांग।
और भी ज़्यादा अगले दिन। मैं कान पर उंगली धरूं तो धर लूं, अखबार ना भी पढ़ूं तो क्या होगा, वह और भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, गली मोहल्लों में अपना सामान बेचता फेरी वाले जैसा। उसकी आमद के साथ ही मैं किसी अनजाने भय से सिहर जाती हूँ, और वे दस दस अखबार पढ़ने वाले मेरे मित्र बेखबर होते हैं मेरी मन स्थिति से, या ऐसा दिखावा करते हैं। वे लगातार चुनावी नतीजों पर तिलमिला रहे होते हैं। देश बिक जाएगा एक दिन, गिर भी हो जाएगा अमेरिका के हाथों, वे चिंताएं करते थक रहे होते हैं। गले में थूक अटकने पर बार बार पानी पीते हैं, और ब्रेक में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की तरह बीच बीच में छेड़छाड़ और बलात्कार की खबरें पढ़ते हैं। इस बीच वे कनखियों से मेरी ओर देखना नहीं भूलते। मैं उनकी फेंकी नज़रों के बीच खुद को अनावृत महसूस करती हूँ, बिल्कुल निवृस्त, और सहम कर अपनी देह पर कल का अखबार ढांप लेती हूँ।